हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ डीआरटी पार्ट सेकंड। तो जैसा कि इसके अंदर अपन बेसिक पेशेंट केयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और बेसिक पेशेंट केयर में भी दैट मींस कि पेशेंट को ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे हो, या फिर ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे, या फिर व्हीलचेयर। और जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक मेथड के बारे में डिस्कस भी किया था, दैट मींस सबसे पहले तो अगर अपन बात करें कि लास्ट लेक्चर में अपन कहां से कहां पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो दैट मींस ट्रॉली टू एक्सरे टेबल, या फिर स्ट्रेचर टू एक्सरे टेबल, स्ट्रेचर से एक्सरे टेबल पे किस तरीके से पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है। इसके फाइनल जजमेंट्स और रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले अच्छे से देखना है कि पेशेंट मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है, किस तरीके से उसके कौन कौन से पार्ट्स मूवेबल है नहीं है, वो सारी चीज़ें। बट जब बात आती है स्ट्रेचर और ट्रॉली से पेशेंट को एक्सरे टेबल पे मूव करना, या फिर इसके रिवर्स कंडीशन, दैट मीन्स एक्सरे टेबल से ट्रॉली या स्ट्रेचर पे मूव करना, तो उस कंडीशन में दो मेथड आते हैं। फर्स्ट यूजिंग अ पुल शीट, और दूसरा था थ्री कैरियर लिफ्ट मेथड। यूजिंग अ पुल शीट के बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यूजिंग अ पुल शीट के अंदर सिंपल सा मेथड था, दैट मीन्स इसमें बेड शीट काम में लेनी थी, तीन से चार यहाँ पे हेल्थ वर्कर या फिर असिस्टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को सबसे पहले लेटरल पोजिशन के अंदर लेटाया जाता है, दैट मीन्स करवट दिलाई जाती है, देन बेड शीट को रोल करके पेशेंट की लेटरल साइड के अंदर बिछाई जाती है, फिर पेशेंट को अपन सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं और उस रोल को सीधा करते हैं, तो दैट मीन्स ऑल ओवर कि पेशेंट के नीचे बेड शीट को प्लेस किया जाता है। देन तीन से चार असिस्टेंट्स एक हेड के ऊपर, एक लेग के ऊपर और दो लैटरल साइड के अंदर, मिनिमम चार असिस्टेंट उस बेड शीट को यूनिसन के साथ, यूनिसन दैट मीन्स एक यूनिटी के साथ, एक साथ उस बेडशीट को पुल करते हैं, और पुल करके पेशेंट को स्ट्रेचर ट्रॉली से एक्सरे टेबल या फिर एक्सरे टेबल से स्ट्रेचर ट्रॉली पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस की थी कि स्ट्रेचर और ट्रॉली, दैट मीन्स और एक्सरे टेबल, इन दोनों के बीच में जगह कम से कम, दैट मीन्स फासला कम से कम होना चाहिए। अब आज हम दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्री कैरियर लिफ्ट मेथड, जो किसके लिए है, वो भी ट्रॉली टू एक्सरे टेबल या फिर एक्सरे टेबल टू ट्रॉली के लिए ही है। तो जैसा कि जो अपना थ्री कैरियर लिफ्ट मेथड है, ऑब्वियस सी बात है इस मेथड के नाम से हम यहां पे समझ सकते हैं, थ्री दैट मीन्स तीन, कैरियर ले जाना, लिफ्ट दैट मीन्स उठाना। यहां पे क्या होगा कि जो असिस्टेंट्स होंगे वो तीन होंगे, तीन हेल्थ केयर वर्कर किसी भी पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, और कैरियर लिफ्ट का मतलब ये है कि बाय हैंड पेशेंट को लिफ्ट किया जाएगा यहाँ पे। बाकी के जो इसके स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, वो अपन यहाँ पे थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसका डायग्राम भी अपन देखेंगे। कीप द ट्रॉली परपेंडिकुलर टू द टेबल, दैट मीन्स कि ट्रॉली को टेबल के परपेंडिकुलर रखना है। दैट मीन्स कि ट्रॉली और टेबल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल किस फॉर एग्जाम्पल जो आपकी टेबल है, जो एक्सरे टेबल है, उसकी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, दैट मीन्स हेड ईस्ट में है और लेग की जो पोजीशन है वो वेस्ट के अंदर, आपकी जो टेबल अरेंज की गई है एक्सरे टेबल वो है ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पे अपन ट्रॉली को किस तरीके से अरेंज करेंगे, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, दैट मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। स्लाइड द पेशेंट टू द इनर साइड ऑफ द ट्रॉली, अब क्या करना है, पेशेंट को ट्रॉली के इनर साइड में स्लाइड करना है, ठीक है। थ्री persons go to the side close to the patient, जिस साइड के अंदर आपने पेशेंट को ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, दैट मीन्स स्लाइड किया, उस साइड में
थ्री पर्सन्स जाएंगे वहाँ पे, थ्री पर्सन्स गो टू द साइड क्लोज टू द पेशेंट, पेशेंट के क्लोज जाएंगे। वन स्टैंड्स टू सपोर्ट द हेड एंड नेक, वन एट द बटक्स एंड द अदर एट द लेग्स एंड एंकल्स। दैट मीन्स कि तीन पर्सन होंगे यहाँ पे और तीनों की पोजीशन किस तरीके से होगी, दैट मीन्स कि वो तीनों कौन कौन से बॉडी पार्ट को सपोर्ट करेंगे। एक पर्सन हेड और नेक को सपोर्ट करेगा, दूसरा पर्सन कमर को सपोर्ट करेगा, दैट मीन्स वो बटक्स को सपोर्ट करेगा। एंड द थर्ड वन, द अदर वन जो लास्ट में बच गया एक और पर्सन, वो लेग और एंकल, दैट मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटीज को सपोर्ट करेगा। क्रॉस द पेशेंट्स आर्म अक्रॉस द चेस्ट, पेशेंट के जो आर्म है वो पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रख देने, क्रॉस कर देने। दैट मीन्स अगर पेशेंट को, पेशेंट कॉन्सियस है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना है, पेशेंट अपने आप अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेगा। और अगर पेशेंट कॉन्सियस नहीं है तो उस कंडीशन में आपको खुद को पेशेंट के आर्म्स को चेस्ट पे क्रॉस करना है। ऑल थ्री लिफ्टर्स प्लेस देयर आर्म अंडर द पेशेंट, द रीजन ऑफ द बॉडी विच दे आर गोइंग टू लिफ्ट। दैट मीन्स कि तीनों जो पर्सन्स हैं वो अब क्या करेंगे, अपने अपने आर्म्स, दोनों आर्म को पेशेंट की बॉडी के नीचे प्लेस करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट पर्सन था जिसका क्या काम था, हेड और नेक को सपोर्ट करना, तो वो हेड और नेक के नीचे अपने आर्म प्लेस करेगा। दूसरा पर्सन था उसको बटक्स को सपोर्ट करना, तो वो बटक्स के नीचे वहाँ पे अपने आर्म सपोर्ट करेगा। और जो थर्ड पर्सन है जिसको लेग्स, दैट मीन्स लोअर एक्सट्रीमिटी को सपोर्ट करना था, तो वो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी, दैट मीन्स पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के नीचे अपने आर्म प्लेस करेगा। एट द सिग्नल द मूवर्स रोल द पेशेंट ऑफ द टेबल एंड ऑन टू देयर चेस्ट। अब क्या करना है, सिग्नल्स के साथ, दैट मीन्स यूनिसन के साथ, जो भी पेशेंट ट्रांसफर का काम होता है वो यूनिसन के साथ होता है, दैट मीन्स एक साथ किया जाता है। ये नहीं है कि एक पर्सन पहले ट्रांसफर कर रहा है, पहले एक्शन ले रहा है, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो दैट मीन्स कि यूनिसन के साथ अब क्या करना है, तीनों पर्सन को पेशेंट को रोल करते हुए अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। इसको दोबारा से समझना कि जो तीन पर्सन जो ट्रांसफर कर रहे हैं पेशेंट को, उन तीनों पर्सन को जब तीनों पर्सन ने अपने आर्म पेशेंट की बॉडी के नीचे प्लेस कर दिए, उसके बाद में यूनिसन के साथ में पेशेंट को रोल करके अपने चेस्ट की तरफ लेके आना है। ऑल थ्री पाइवेट एंड प्लेस्ड द पेशेंट ऑन टू द सरफेस टू विच ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड। अब पेशेंट को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने के बाद में जहाँ पे पेशेंट को आपको प्लेस करना है, दैट मीन्स दूसरी सरफेस, अनदर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रॉली टू एक्सरे टेबल। तो ट्रॉली से एक्सरे टेबल की बात की जाए तो एक्सरे टेबल पे फिर पेशेंट को प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद में अपने आर्म्स पेशेंट की बॉडी के नीचे से रिमूव कर लेने हैं। तो एक बार दोबारा देखें इसके बारे में, सिंपल सा है, थ्री पर्सन यहाँ पे चाहिएंगे, पेशेंट को लिफ्ट किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉली और जो एक्सरे टेबल है वो 90 डिग्री के एंगल पे होने चाहिए, देन पेशेंट को स्लाइड किया जाएगा, उसके पास तीनों पर्सन जाएंगे, ठीक है। अलग अलग बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग वो अपने अपने बॉडी पार्ट्स, जो जो बॉडी पार्ट उनको लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग वो उस बॉडी पार्ट के नीचे अपने आर्म प्लेस करेंगे। आर्म प्लेस करने के बाद में पेशेंट को लिफ्ट करते हुए, पेशेंट को रोल करते हुए जो तीनों पर्सन है वो पेशेंट को अपने चेस्ट के क्लोज में लेके आएंगे, देन उसको लिफ्ट करके और दूसरी जो सरफेस होगी, फॉर एग्जांपल जो एक्सरे टेबल है वहाँ पे पेशेंट को प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये था अपना थ्री कैरियर लिफ्ट मेथड, जहाँ पे तीन पर्सन पेशेंट को लिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स उठाना, ठीक है। और जो पहले जो अपन ने ये डिस्कस किया था वो था यूजिंग अ पुल शीट, दैट पुल में खींचना, वहाँ पे अपन ने बेडशीट को पुल किया था। अब इसके डायग्राम्स देख लेते हैं ताकि अपने को ये चीज समझ में आ जाए। जैसा कि आप स्टेप फर्स्ट के अंदर देख सकते हो कि पेशेंट की जो आर्म है वो उसके चेस्ट के अक्रॉस है, ठीक है। तीन पर्सन है यहाँ पे, एक ने हेड और नेक को सपोर्ट कर रखा है, दूसरे पर्सन ने चेस्ट को, सॉरी बटक्स को सपोर्ट कर रखा है, और जो थर्ड पर्सन है उसने उसके एक्सट्रीमिटीज को सपोर्ट कर रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि तीनों पर्सन ने अपने आर्म, अपनी अपनी बॉडी पार्ट, दैट मीन्स कि पेशेंट के बॉडी पार्ट, जिस बॉडी पार्ट को उनको लिफ्ट करना है उसके अकॉर्डिंग उस बॉडी पार्ट के नीचे उन्होंने अपने अपने आर्म प्लेस कर रखे हैं। देन सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो कि किस तरीके से तीनों पर्सन ने यूनिशन के साथ पेशेंट को लिफ्ट किया है, और लिफ्ट करने के बाद भी देख सकते हो
कि तीनों पर्संस ने पेशेंट की बॉडी पार्ट्स को अपने चेस्ट के क्लोज में ला रखा है। ये यहाँ पे होल्ड करने की एक ट्रिक है, दैट मीन्स कि अगर अपन चेस्ट के क्लोज में रखते हैं तो अपने को एक तो वहाँ पे क्या होता है कि फोर्स कम लगाना पड़ता है, दूसरा पेशेंट सेफ रहता है या फिर पेशेंट के गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, दैट मीन्स नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप 90 डिग्री पे पेशेंट को रखते हो तो वहाँ पे आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और पेशेंट के गिरने के चांसेस भी कम ज़्यादा होंगे। सो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या करना है कि तीनों पर्संस को पेशेंट को अपने चेस्ट के क्लोज रखना है। और अब जो थर्ड स्टेप है, लास्ट और सिंपल स्टेप, पेशेंट को लिफ्ट करने के बाद में क्या करना है, दूसरी सरफेस पे प्लेस करना है। तो दैट मीन्स कि दूसरी जो सरफेस एक्सरे टेबल है वहाँ पे पेशेंट को अच्छे से आराम से केयरफुली प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद में अपने आर्म्स वहाँ से रिमूव कर लेने हैं। तो ये ऑल ओवर प्रोसेस थी थ्री कैरियर लिफ्ट मेथड की, दैट मीन्स ट्रॉली से एक्सरे टेबल या फिर एक्सरे टेबल से ट्रॉली पे पेशेंट को मूव करने की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड जिसे लॉग रोल कहा जाता है। अब जैसा कि पहले जो अपन ने बात की थी वो दो मेथड्स थे, और वो कौन से थे, ट्रॉली से एक्सरे टेबल पे, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करें लॉग रोल की, दैट मीन्स टू टर्न एन इंजर्ड पेशेंट टू अ लेटरल पोजिशन। दैट मीन्स कि कोई भी अगर पेशेंट इंजर्ड है, जिसको इंजरी हो रखी है, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा का पेशेंट है, तो उसको सुपाइन से लेटरल पोजिशन में किस तरीके से लेटाया जाए या फिर उसको लेटरल पोजिशन में शिफ्ट किया जाए, दैट मीन्स सुपाइन टू लेटरल पोजिशन पेशेंट को किस तरीके से दी जाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, जिसे लॉग रोल भी कहा जाता है। प्लेस अ पिलो एंड सपोर्ट द ब्लॉक एट द साइड टू विच द पेशेंट इज गोइंग टू बी टर्न। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को जिस साइड में आपको टर्न करना है, ऑब्वियसली बात है लेफ्ट एंड राइट दो साइड होंगी, पेशेंट को जिस साइड में आपको टर्न करना है उस साइड के अंदर या तो कोई ब्लॉक, सपोर्टिंग ब्लॉक रखा जाए सबसे पहले, या फिर पिलो, ज़्यादातर अपन पिलो काम में लेते हैं सपोर्टिंग ब्लॉक की जगह यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे पिलो रख दिया जाए। प्लेस ए पिलो बिटवीन नी टू सपोर्ट द लेग व्हेन टर्न टू साइड, और जो नी है दोनों नीज के बीच में भी क्या रख दिया जाए, एक पिलो रख दिया जाए, किसके लिए, लेग्स को सपोर्ट करने के लिए व्हेन टर्न टू साइड। दैट मीन्स कि जब उनको मूव किया जाएगा, लेटरल साइड में मूव किया जाएगा, तब उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए नीज के बीच में भी अपन एक पिलो रख देंगे। टू पीपल विल स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द बेड, वन एट द हेड। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कितने पीपल हो चुके हैं, थ्री पीपल्स। टू पीपल विल स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द बेड, आइदर साइड का मतलब या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड के अंदर, ठीक है। और एक पीपल वहाँ पे कहाँ पे होगा, हेड के, दैट मीन्स यहाँ पे भी कितने पर्सन होंगे, थ्री पर्संस होंगे, जो कि या फिर थ्री असिस्टेंट्स होंगे जो पेशेंट को यहाँ पे सुपाइन पोजिशन या लेटरल पोजिशन के अंदर पेशेंट को लेटाएंगे। बट अगर अपने पास असिस्टेंस अवेलेबल है तो इस कंडीशन के अंदर, दैट मीन्स कि लॉग रोल की कंडीशन के अंदर, अपन जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे थ्री असिस्टेंट्स के मिनिमम ज़रूरत पड़ती है, बट अगर अपने पास और असिस्टेंट्स अवेलेबल है तो यहाँ पे अपन पांच असिस्टेंट्स को काम में लेंगे। वो किस तरीके से, एक हेड पे, दो राइट साइड में और दो लेफ्ट साइड के अंदर। दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड से आप लेफ्ट साइड के अंदर पेशेंट को लेटरल पोजिशन में लेटा रहे हो तो दो असिस्टेंट्स तो उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड तक फोर्स लगाने के लिए चाहिएंगे, और फिर दो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिएंगे। अदरवाइज मिनिमम थ्री असिस्टेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। द शीट इज ब्राउट अप ओवर द पेशेंट एंड ग्रैप्ड बाय द टू पर्सन एट द लैंग एंड। दैट मीन्स कि अब क्या करना है कि जिस साइड से पेशेंट को मूव करके
दैट मीन्स अप करना, ऑब्वियसली बात है लेटरल साइड में अगर पेशेंट को आप लेटाना चाहते हो तो पेशेंट की एक साइड को अप करना होगा। तो जिस साइड को पेशेंट को अप करना उस साइड में पेशेंट को अपने ही करेंगे, पेशेंट के नीचे जो बेडशीट बिछी हुई है उस बेडशीट को अप किया जाएगा। वन एट द हेड, सपोर्ट द हेड एंड नेक विदाउट अलाउिंग द नेक टू बैंड और हेड टू रोटेट। दैट मीन्स कि एक जो पेशेंट है जो कि कहाँ पे है, हेड और नेक पे है, दैट मीन्स उसका काम क्या, हेड और नेक को सपोर्ट करने का। दैट मीन्स वो पर्सन क्या करेगा, हेड और नेक को सपोर्ट करेगा विदाउट अलाउिंग द नेक टू बैंड एंड हेड टू रोटेट। दैट मीन्स कि नेक बैंड नहीं होनी चाहिए और हेड रोटेट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से वो उसको सपोर्ट करे। अदर टू मस्ट सपोर्ट द बॉडी, और जो दूसरे दो थे, ठीक है, दो ने तो बेडशीट को पुल कर लिया, दो कहाँ पे हैं, जिस साइड में अपन ने पिल्लो लगाया था उस साइड में, उनका क्या काम है, पेशेंट की बॉडी को सपोर्ट करना। इन यूनिसन द टीम रोल द पेशेंट टू द डिजायर साइड एज इफ ही वर अ लॉन्ग कीपिंग हिज हेड नेक एंड टोर्सो इमोबाइल ड्यूरिंग द मूव। दैट मीन्स कि यूनिसन के साथ अब क्या करना है, पेशेंट को मूव करा देना है जिस साइड के अंदर आप उसको मूव कराना चाहते हो। द हेड शुड रेस्ट इन लेटरल पोजिशन ऑन द सपोर्ट ऑफ ब्लॉक एंड पिलो। और हेड आपका किस पोजिशन में रहेगा, लेटरल पोजिशन में रहेगा, किसकी सहायता से, पिल्लो या फिर ब्लॉक, दैट मीन्स सपोर्टिंग ब्लॉक की सहायता से। जैसा कि आप यहाँ पे लॉग रोल के डायग्राम भी देख सकते हो, दैट मीन्स कि यहाँ पे पांच असिस्टेंट्स हैं, किस तरीके से पेशेंट की बेडशीट को पुल करके पेशेंट को मूव कराया जा रहा है, और पेशेंट को जिस तरफ मूव कराया गया है उस तरफ सपोर्टिंग ब्लॉक्स और पिल्लो रख दिए गए हैं पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे पांच पर्सन है, दो राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में और एक पर्सन है लेफ्ट साइड, सॉरी अपर साइड में, जिसका काम है हेड और नेक को सपोर्ट करने का, और बाकी के दो पर्सन है वो लिफ्ट करेंगे पेशेंट के, दैट मीन्स बेडशीट को लिफ्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी के जो दो पर्सन और रह गए वो यहाँ पे पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। Now we will discuss about the next method, moving a patient from X-ray table to the wheelchair. That means कि किस तरीके से patient को wheelchair से X-ray table और X-ray table से wheelchair पे move कराएंगे। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। First, it is necessary to turn the patient from supine position to a sitting position. To do that, stand in front of the table. Keep one arm under the patient's shoulder and the other across the knee. Instruct the patient to push himself up with support of his upper arm if possible when he is asked to do so. That means कि सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को अपन यहाँ पे मूव करा रहे हैं एक्सरे टेबल से व्हील चेयर पर, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्सरे टेबल पेशेंट क्या होगा, सुपाइन पोजिशन या फिर प्रोन, जो भी पोजिशन होगी पोजिशन के अंदर ले, अपन यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि पेशेंट सुपाइन पोजिशन में है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट इट इज़ नेसेसरी टू टर्न द पेशेंट फ्रॉम सुपाइन टू अ सिटिंग पोजिशन। दैट मीन्स कि अब पेशेंट को सिटिंग पोजिशन में लेके आना है, ठीक है, सिटिंग पोजिशन में कैसे लेके आएंगे, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के फ्रंट के अंदर अपने को, दैट मीन्स असिस्टेंट्स को स्टैंड करना है, खड़ा होना है। कीप वन आर्म अंडर द पेशेंट शोल्डर, एक आर्म कहाँ पे रखना है, पेशेंट के शोल्डर के नीचे रखना है। एंड द अदर एक्रॉस हिज नी, और दूसरा कहाँ पे, दूसरा उसके नीज के साइड में, दैट मीन नीज के एक्रॉस। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पुश हिमसेल्फ अप विद द सपोर्ट ऑफ हिज अपर आर्म इफ पॉसिबल व्हेन ही इज आस्क्ड टू डू सो। दैट मीन्स कि पेशेंट के शोल्डर के नीचे आपने जो आर्म लगाया था, ठीक है, उसकी सहायता से, और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो ऊपर की तरफ उठे, दैट मीन्स कि सीटिंग पोजीशन के अंदर आए, किसकी सहायता से, आपके आर्म की सहायता से। देन ऑन द काउंट ऑफ थ्री मूव द पेशेंट और हेल्प हिम टू मूव टू अ सीटिंग पोजीशन एट द एज ऑफ द टेबल विद द नीज फ्लेक्स्ड। दैट मीन्स कि अब क्या करना है, पेशेंट को सीटिंग पोजीशन के अंदर लेके आना है, काउंट ऑफ थ्री, दैट मीन्स ये सारे काम जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के साथ होते हैं, ठीक है,
मूव द पेशेंट और हेल्प हिम टू मूव टू अ सिटिंग पोजीशन एट द एज ऑफ द टेबल, टेबल के एज के ऊपर पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेके आना विद द नीज फ्लेक्स्ड, और उसके नी क्या होने चाहिए, फ्लेक्स्ड होने चाहिए। कीप द व्हील चेयर पैरेलल टू द टेबल एंड लॉक द व्हील्स। अब व्हील चेयर को क्या करना है, टेबल के पैरेलल के अंदर लेके आनी है और व्हील चेयर के जो व्हील्स हैं उनको लॉक करना है ताकि जब पेशेंट को आप व्हील चेयर पे शिफ्ट करो उस वक्त व्हील चेयर मूव ना करे। देन स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, अब पेशेंट के फ्रंट के अंदर स्टैंड करना है। प्लेस द पेशेंट्स आर्म अक्रॉस योर शोल्डर्स। अब क्या करना है कि पेशेंट के जो आर्म है वो खुद के शोल्डर पर रखने हैं, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। प्लेस द पेशेंट्स आर्म अक्रॉस योर शोल्डर्स, खुद के शोल्डर के ऊपर पेशेंट के आर्म को रखना है। पुट योर नी अराउंड द पेशेंट नी, आपके नी और पेशेंट के नी दैट मीन्स लगभग पास होने चाहिए। हेल्प द पेशेंट स्टैंड एंड पाइवट, पेशेंट को क्या करना है, स्टैंड करना है। पहले सिटिंग सुपाइन पोजीशन में था, सुपाइन पोजीशन के बाद में पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में लेके आना है, और सिटिंग पोजीशन में लाने के बाद में पेशेंट को अब लिफ्ट करना है। एंड थस लोअर ऑन टू द व्हील चेयर बेंडिंग योर नीज एंड कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। दैट मीन्स कि अब जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट के नीज तो बैंड होने चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और इसकी सहायता से पेशेंट को लिफ्ट करके व्हील चेयर के ऊपर शिफ्ट करना है। जैसा कि ये प्रोसेस भी अपन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेप पेशेंट को सुपाइन पोजिशन से सिटिंग पोजीशन, दैट मीन्स सिटिंग पोजीशन में लाने के लिए पेशेंट को सबसे पहले लैटरल पोजीशन के अंदर लेटाया गया है। लैटरल पोजीशन में लेटाने के बाद में पेशेंट को टेबल की एज के ऊपर सिटिंग पोजीशन में लाया गया है, जो कि आपको सेकंड स्टेप में दिखाई दे रहा है। जैसा कि सेकंड स्टेप में आप देख सकते हो कि पेशेंट के जो आर्म है वो असिस्टेंट के शोल्डर पर है, ठीक है, और असिस्टेंट का आप देख सकते हो कि नीज़ और पेशेंट के नी लगभग बराबर हैं, और असिस्टेंट के नी बैंड है बट जो कमर है, बैक है, वो स्ट्रेट है, ठीक है। और जैसा कि थर्ड स्टेप फाइनल स्टेप जहाँ पे असिस्टेंट पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है व्हील चेयर पर, वहाँ पे भी आप देख सकते हो उसकी उसके नी बैंड है बट बैक स्ट्रेट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नी बैंड होनी चाहिए और बैक स्ट्रेट होना चाहिए, और इसकी सहायता से पेशेंट को लिफ्ट करते हुए, दैट मीन्स कि पेशेंट के जो आर्म है वो खुद के शोल्डर पर होने चाहिए, असिस्टेंट के शोल्डर पर होने चाहिए, और पेशेंट को लिफ्ट करके अपन व्हील चेयर पर ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर इसी की रिवर्स की बात की जाए, दैट मीन्स रिवर्स कंडीशन व्हील चेयर टू एक्सरे टेबल, तो रिवर्स के अंदर क्या होगा, पेशेंट को इसी तरीके से लिफ्ट करके एक्सरे टेबल पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये कुछ ट्रांसफ़र के मेथड्स थे जो कि आज अपन ने डिस्कस किए। कुछ मेथड्स और बचे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।